नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। सरकार बहुत जल्द अब प्लास्टिक के नोट भी छापने वाली है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट बहुत जल्द बाजार में लाने की बात कही। आखिर कैसा होता है प्लास्टिक का नोट, उसकी खूबियां क्या हैं, किन देशों में चलता है और सरकार को प्लास्टिक करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब आएंगे प्लास्टिक के नोट। कागज की जगह लेगी प्लास्टिक की करेंसी। जाली नोट रोकेंगे प्लास्टिक के नोट। बहुत जल्द कुछ इसी तरह से नोट होंगे आपके हाथों में, ऐसे ही नए और चमचमाते नोट जो प्लास्टिक के होंगे। ये प्लास्टिक की वो करेंसी है जो दुनिया के कई मुल्कों में इस्तेमाल की जाती है और अब इंडिया में भी ऐसे नोटों को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आखिर प्लास्टिक नोटों की खासियत क्या है, क्यों सरकार ने यह फैसला किया, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरी और मजबूत प्लास्टिक करेंसी के लाने का ऐलान आज वित्त मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया। हमने इसका एक प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा, इसकी कमेटी भी है, लेकिन प्रोसेस ऑन है और जल्दी आपको प्लास्टिक करेंसी भी देखने को मिलेगी। 10, 20, 50, 100 इस तरह के नोट आएंगे? इसी तरह के नोट, पहले इसी तरह के छोटे नोट ही आएंगे। कब तक क्या उम्मीद की जा सकती है? टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं लेकिन जल्दी देखने को मिलेंगे। सरकार ने बताया कि प्लास्टिक करेंसी को लाने का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द प्लास्टिक के नए नोट लोगों के हाथों में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक के नोटों की जरूरत क्यों पड़ गई, अभी तो नोटबंदी हुई है। तो इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक करेंसी से जाली नोटों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक करेंसी की नकल करना बेहद मुश्किल काम है। प्लास्टिक करेंसी की लाइफ भी कागज के मुकाबले ज्यादा होती है, करीब 5 साल होती है प्लास्टिक या पॉलीमर से बने नोट की लाइफ। जाली नोट से निपटने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक नोट ऑस्ट्रेलिया ने छापे। प्लास्टिक नोट हल्के होते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी आसान रहती है। प्लास्टिक नोट से ग्लोबल वार्मिंग में 32% की कमी का दावा। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक नोट आने के बाद देश को भी कई फायदे होंगे। हम छोटे नोटों के लिए एक विचार कर रहे हैं कि प्लास्टिक करेंसी आ जाए तो एक तो उसकी अवधि लंबी होती है, जैसे कागज का जो करेंसी है उसकी अवधि कम होती है और कई बार घूमने के बाद वो कमज़ोर सा पड़ जाता है, फट सा जाता है, तो प्लास्टिक करेंसी में ये एक सुविधा। दूसरा, फेक करेंसी को ट्रैक करने में भी इसको सुविधा रहती है, लंबे समय तक रहना और ट्रैक करना, तो एक फेक करेंसी को चोट पहुंचाने में भी एक प्लास्टिक करेंसी का एक उपयोग हो सकता है। हालांकि एक बात साफ कर दी गई है कि प्लास्टिक के नोट शुरू में छोटी रकम के होंगे, यानी 10 और 20 रुपए के हो सकते हैं, क्योंकि शुरू में उन्हें सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जारी किया जाएगा, ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान में उनके इस्तेमाल से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल प्लास्टिक के नोट छापने की तैयारी तो साल 2014 से ही चल रही थी, लेकिन आज इसका ऐलान कर दिया गया कि अब नोट छापने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि शुरू में पूरे देश में प्लास्टिक के नोट नहीं चलाए जाएंगे, बल्कि सरकार ने फील्ड टेस्टिंग के लिए देश के 5 शहरों को चुना, जिनमें कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर शामिल। बताया जाता है कि शुरुआत में 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारे जाएंगे, फिर मॉनिटरिंग के बाद आगे बड़े नोट लाने का फैसला किया जाएगा। वैसे इंडिया में भले ही अब प्लास्टिक नोटों को लाने की तैयारी है, लेकिन दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक करेंसी पहले से चलन में। ऑस्ट्रेलिया में 1996 से ही प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं। कैनेडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कुवैत में भी प्लास्टिक की करेंसी। यूनाइटेड किंगडम ने भी प्लास्टिक करेंसी चलानी शुरू कर दी। ये तो चंद देश हैं जो प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी
कई और मुल्क हैं जहां सालों से प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट चलन में, और देश बहुत जल्द प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी, जिनमें अब हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है। तो इंतजार कीजिए प्लास्टिक के नए नोटों का।